इंदुवाइटी के आगे कुरुद के आउटर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग हो रही थी, जिसे हटाने नगर तथा ग्राम निवेश नगर निगम भिलाई के अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। जेसीबी से मार्ग संरचना को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार सहित कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी मौजूद रहा। कोका, जुनवानी, कुरुद आदि क्षेत्रों में पिछले कई महीनों से अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध नगर निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। बावजूद इसके भू माफियाओं द्वारा अवैध प्लॉटिंग करने के सिलसिले को जारी रखा गया है। बुधवार को कुरुद में नगर तथा ग्राम निवेश नगर निगम के अधिकारियों की मौजूदगी में बड़े पैमाने पर की गई अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। भू माफिया द्वारा कुरुद के आउटर क्षेत्र में तेजी से अवैध प्लॉटिंग के कार्य को अंजाम दिया जा रहा था, जिसकी सूचना प्रशासन को प्राप्त हुई थी। इसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और जेसीबी के जरिए अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर जगह को समतल किया गया। भू माफिया द्वारा कुरुद के आउटर क्षेत्र में प्लाट काटकर इसे बेचने अपनी ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई थीं। मौके पर मौजूद अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई योगेंद्र वर्मा, प्रभारी संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग विमल बगरैया ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये अवैध प्लाटिंग में ये निर्माण वगैरह कुछ किए थे, घेरा वेरा डाल के और रोड रास्ता बना के, तो ये तोड़फोड़ की कार्यवाही नगर निवेश द्वारा प्रारंभ की गई है और उनके द्वारा बल मंगा गया है और प्रोडक्शन मंगा गया है। तो मैं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट होने के नाते पूरा उनको सहयोग कर रहा हूँ। पुलिस बल भी आ गई है और नगर निगम वाले भी पहुँचने ही वाले हैं और ये कार्यवाही निरंतर चलते रहेगी। जहाँ जहाँ अवैध प्लाटिंग है वो सारे अवैध प्लाटिंग में कार्यवाही होगी। दुर्ग भिलाई विकास योजना का ग्राम है कुरुद, जिसके अंतर्गत जो है अवैध रूप से विकास किए जाने की शिकायतें मिल रही थी, जबकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 29 के तहत जो है आवेदन किया जाना था और विकास अनुज्ञा प्राप्त करनी थी, किंतु कुछ व्यक्तियों के द्वारा यहाँ अवैध रूप से विकास किया गया है और भूखंडों का विक्रय किया जा रहा है, तो इसके तहत इनको पहले लीगल नोटिस जारी किया गया था छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 37 के तहत, और निर्धारित समय अवधि में इनकी ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और इसलिए जो है राजस्व विभाग और नगर तथा ग्राम निवेश ने पुलिस बल की मौजूदगी में ये अवैध विकास को हटाने की कार्रवाई की है। यहाँ पे वेल प्लान बिल्डर जो है उनके द्वारा ये किया जा रहा है, प्रोपराइटर मिस्टर बसंत कटारिया और अन्य उनके पार्टनर भी हो सकते हैं। बिल्कुल, ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी हमारे विभाग के द्वारा, राजस्व के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, जो है बराबर ऐसी जगहों को जो है चिन्हित किया जा रहा है और उसके पश्चात कार्रवाई की जा रही है। अभी हमने बीच में जो है राजनांदगांव रोड की तरफ जो अवैध विकास हुआ था उसको वहाँ भी हमने नोटिस जारी किए हैं, वहाँ भी अभी जो है कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदू आईटीआई के पीछे कुरुद में। आप देख सकते हैं इस स्थान पर एक अतिक्रमणकारी द्वारा काफ़ी विस्तृत रूप से यहाँ पे कब्जा किया गया था, अवैध प्लाटिंग की जा रही थी काफ़ी बड़े पैमाने पर। इस प्लाट के अलावा इसके बगल में भी एक खाली पड़ी जमीन है, शासकीय जमीन, उस पर कब्जा किया जा रहा था, जिसकी सूचना नगर निगम के अधिकारियों को प्राप्त हुई, जिसके उपरांत नगर निवेश और नगर निगम की टीम यहाँ पर पूरे अधिकारियों के साथ तहसीलदार योगेंद्र वर्मा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके द्वारा अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। अभी चूँकि देखा जा रहा है कि पिछले 7-8 महीनों से लगातार अतिक्रमण अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है प्रशासन द्वारा, इसके बावजूद भी अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। खाली पड़ी जगहों पर ही देखते इनके द्वारा प्लाट कटिंग की शुरुआत की जाती है और लोगों को गुमराह करके, धोखे में रख करके ये इस तरह का प्लाट को बेचने की प्रक्रिया की जाती है। इनके झांसे में आकर लोगों द्वारा अपनी जमा पूंजी को भी इनके हाथों में सौंप दिया जाता है, अंततः जिसका नतीजा कुछ नहीं होता मिलता, पैसे लेकर के अतिक्रमणकारी द्वारा मौके से फरार हो जाते हैं, जिसका लगातार खामियाजा जो कम रुपयों के लालच में जिनके द्वारा अवैध प्लाट्स को खरीदा जाता है वो जीवन भर परेशान रहते हैं। लेकिन इस मामले में एक गौर करने वाली एक बात यह है कि जितने भी अवैध प्लाटिंग से जुड़े कारोबारी, अवैध कब्जेधारी, उनके ऊपर हालांकि अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने की बातें तो कही जाती, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नज़र नहीं आती। लगातार कार्रवाई के बाद ही सिर्फ उनको अतिक्रमणकारियों के पास मात्र नोटिस भेजकर ही खाना पूर्ति की जाती है। यदि किसी अतिक्रमणकारी पर जिनके द्वारा लोगों का
लोगों से इस तरह का धोखा कर गुमराह किया जाता है, अपना अवैध प्लाट बेचा जाता है, जिससे इस तरह की किसी एक भी अगर अतिक्रमणकारी पर सख्ती से कोई कार्रवाई कोई विधिवत कानूनी कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से दूसरे अतिक्रमणकारियों में इसका खौफ बैठेगा, लोग शासकीय जमीनों पर अवैध कब्जा करने से बचेंगे। हालांकि इसके लिए सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है, साथ ही लोगों को भी, जनता को, आम लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है कि सस्ते के लालच में अपनी जीवन भर की जमा पूंजी को इन अवैध कब्जेधारियों के हाथों में सौंपने से बचें। तो कोई भी प्लाट किसी भी स्थान पर प्लाट लेने के पूर्व उसकी तमाम तरह से तहकीकात करें, अन्यथा शहर में अवैध प्लाटिंग का सिलसिला जारी है। आदमी जो भी है जिनकी जमा पूंजी फंस सकते हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी व्यक्ति भी इनके द्वारा इस तरह से अपना जाल फैलाया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।